हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार और एक एनालिसिस वीडियो है 28 फरवरी की। चलिए देखते हैं मार्केट कैसे मोमेंटम ले सकता है और मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आपको पता है कि मार्केट एक डाउन साइड ट्रेंड लाइन पे है, ठीक है। और ये वाली जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, ये काफ़ी टाइम से मार्केट इसकी ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कर रहा है। और एक ये सपोर्ट जोन है जिसकी जो ब्रेकआउट हो चुका है, पर अब ये जो सपोर्ट जोन है ये हमारे लिए कैसे एक्ट करेगा, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ठीक है। तो अभी मार्केट में रिवर्सल आ चुका है। एक बड़े फॉल के बाद हमेशा मार्केट में रिवर्सल आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमेशा एक मोमेंटम में चलता है। अगर वो मोमेंटम अगर हम पकड़ना सीख गए तो मैं किसी भी चीज़ का वो नहीं है, ठीक है। मार्केट हमेशा एक मोमेंटम में चलता है। अब ये जो बनेगा, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट ऊपर का ऊपर जा सकता है। ओवरऑल मार्केट को ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो फिर अभी अभी हम यहाँ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं वीकली व्यू क्या है, क्योंकि ये जो वीक अभी ख़त्म हो गया, अभी मंडे से नया वो स्टार्ट होगा, नया वीक स्टार्ट होगा। तो लास्ट जो वीक था वो हमारी एक बेरिश कैंडल बनी है, एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनी है बड़ी, ठीक है। ये जो वीक है तो एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनी है। सिर्फ लास्ट अभी फ्राइडे सॉरी थर्सडे को एक अच्छा फॉल देखने को मिला, वरना हमारी डोजी टाइप ऑफ वो कैंडल बन रही थी। जो थर्सडे को फॉल आया उसकी वजह से एक बड़ी बेयरिश कैंडल बन चुकी है, ठीक है। और इस सपोर्ट जोन को मार्केट ब्रेक कर चुकी है। देखिए कितनी बार इस सपोर्ट जोन पे एक्ट किया, 1 2 3 4 चार बार सपोर्ट लिया, उसके बाद ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। अभी ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर सकती है, या अगर ऊपर की तरफ चली जाती है, जैसे कि मंडे को मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना चालू कर देती है, तो हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे एक फॉल्स ब्रेकआउट बोलना बोलना बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, ठीक है। हार्ली क्या हुआ है हमारे पास, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनाता हुआ आपको दिख रहा होगा, एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो और ब्रेकआउट देती है, मतलब जहां को भी मार्केट ब्रेकआउट देगी आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर फ्लैट खुलते हैं तो ट्रेड लेना और आसान हो जाएगा, ज्यादा गैप अप खुलती है तो फिर ये पैटर्न वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर आसपास खुल जाती है मार्केट तो ये पैटर्न वर्क करेगा ही, ठीक है। तो वैसे तो मार्केट अभी निफ्टी हमारा जो है वो 200 मूविंग एवरेज में आपको दिखा देता हूँ डे पे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ऊपर नीचे ही क्लोजिंग दी है, ठीक है। और आप इस बार मैंने उस लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि ये 200 मूविंग एवरेज को टच कर सकता है। ये भी हो सकता है कि ये टच करके वापस लौट जाए, या ये हो सकता है कि इसके मंडे को इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट दोबारा बुलिश मोड पे मूड में आ जाएगी, तो इसके ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा ही नीचे जाता है तो फिर थोड़ा सा फॉल और देखने को आपको मार्केट में मिल सकता है, ठीक है। तो अभी आपको ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड इस पैटर्न के अकॉर्डिंग करना है। अगर मार्केट आसपास खुल जाती है या फ्लैट खुल जाती है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे खुल जाते हैं, तो ये पैटर्न वर्क करेगा, अदरवाइज ये पैटर्न वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो जहाँ तक अभी आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कि जब तक आप बुलिश नहीं हो सकते, जब तक ये 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक ना कर दे, 200 मूविंग को एवरेज को ब्रेक ना कर दे, तब तक आप बुलिश नहीं हो सकते हैं। अगर इस पे मार्केट सपोर्ट ले रही है, इसको ब्रेक करके इस पे सपोर्ट ले रही है, तो यहाँ से एक अप्रैली स्टार्ट हो सकती है, फिर इसका ब्रेकआउट देके। अगर जैसे एक कैंडल इस पे सपोर्ट ले रही है, उसके बाद एक अप्रैली स्टार्ट हो सकती है, फिर ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकती है, ठीक है। ये प्रोसेस हो सकता है हमारा, ठीक है। तो डे का खोल लेते हैं। कॉलर पुट डाटा चेक कर लेते हैं निफ्टी का, ठीक है। तो सबसे पहले बीएस देख लेते हैं। बीएस कितने हैं, 31,000, 26,44, 4,000, 5,000, ठीक है। 39,000, 52, 24, 25, यहाँ पर बुल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। बीएस से 30,000, 24,000,
27, 13, 19, ठीक है 5, ठीक है ऑन एन एवरेज बियर्स और बुल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो अभी आप डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि बियर्स और बुल्स का डाटा जो है वो इक्वली आ रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो बैटल अभी चल रहा है, मतलब जो भी वॉर हो सकता है आने वाले टाइम पे, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट अभी नीचे जा रही है, पर मेरे को नहीं लगता वॉर होगा क्योंकि आफ्टर ऑल की कोई भी वॉर नहीं चाहता आज के टाइम पे, पर रशिया का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो दिस इज फॉर निफ्टी। अभी हम बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का वीकली व्यू देख लेते हैं। ठीक है, एक बिग बेयरिश कैंडल दिखाई है मार्केट ने, तो मार्केट अभी हमें यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट अभी ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। ठीक है, अपसाइड ट्रेंड लाइन पे चल रहा है मार्केट अभी, और ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये हमें क्लियर कट दिख रहा है। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वन डे के, तो यहाँ पर भी अभी आपको एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा होगा। सपोर्ट जोन, ठीक है, ये आपको एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा होगा जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले चुकी है दो तीन बार, उसके बाद अब बेरिश हुई है मार्केट। ठीक है, ये आपको सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा होगा। अब ये सपोर्ट जोन एज अ रेजिस्टेंस जोन की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक फिबोनाची का वो लगा के देख लेते हैं, फिबोनाची का क्या लेवल पता लगता है। ठीक है, वेट वेट, हम टॉप से बॉटम लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, 0.23 का के ऊपर क्लोजिंग दिया, ये अच्छी बात है। ठीक है, मार्केट इतनी अच्छी तरह रिस्पेक्ट नहीं कर रही, पर यहाँ पर रिस्पेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है मार्केट। ठीक है, फिबोनाची से भी हमें कोई अच्छा वो रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट के अगेंस्ट। 200 मूविंग एवरेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इससे ये क्लियर कट पता लग जाता है कि मार्केट बुलिश हो सकती है आने वाले टाइम पे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने दे दिया तो निफ्टी भी दे ही देगी मंडे को, ऑब्वियस सी बात है। बैंक निफ्टी ने दे दिया है अगर, और ये सस्टेन करती है बैंक निफ्टी अगर मंडे को, तो निफ्टी 100% दे देगी आपको ऊपर का। ठीक है, ऊपर का व्यू दे देगी। छोटे टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है नहीं। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं 15 मिनट्स के। ठीक है, एक पैरेलल चैनल देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक पैरेलल चैनल देखने को मिल रहा है। हाँ ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या इसके आसपास खुलते हैं तो ये पैरेलल चैनल, ये पैटर्न आप पे वर्क करेगा, मतलब एक चैनल में मार्केट अभी चल रही है, फिलहाल तो एक चैनल में चल रही है। और जो 200 मूविंग आपको देखने को मिलेगा 5 मिनट में, अगर इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करती है और ये चैनल को ब्रेक करती है यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद या आसपास खुलने के बाद, तो आपको एक बाइंग साइड को देखने को मार्केट मिल सकती है। ठीक है, पर ज़्यादा बड़ा टारगेट मत रखिए और अपनी पोजिशंस को आउट कर, मतलब होल्ड मत करिए लंबे टाइम के लिए, क्योंकि जो वॉर की जो सिचुएशन होती है उसमें कुछ भी हो जाता है, अचानक से कुछ भी हो सकता है, तो होल्ड करना बिल्कुल समझदारी नहीं होगी। पोजीशंस हैं जो हैं उसी दिन काट के जाइए घर पे, पैसा अपने हाथ में रखिए। ठीक है, ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा बताता है 8, 7, 6, 19, 17। ठीक है, बड़ी पोजीशंस का है 28, 40। ठीक है, अगेंस्ट में देख लेते हैं 24, 8, 42, 6। ठीक है, इक्वली 24, हाँ इक्वल है, मतलब कॉल और पुट डाटा में बियर्स और बुल्स दोनों इक्वली हैं, तो अभी यहाँ से तो मैं कुछ बोल नहीं सकता कि कहाँ की तरफ मार्केट का डायरेक्शन है, पर एज माई एक्सपीरियंस मार्केट का डायरेक्शन अभी ऊपर की तरफ हो सकता है, क्योंकि मार्केट में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है। जो ये पैटर्न है ना, ये एक रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, ये जो पैटर्न है ना, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। अगर आपने प्राइस एक्शन की थ्योरी पढ़ी होगी तो ये एक रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी सॉरी। अगर चलिए इस एक बार वो देख लेते हैं सिंगापुर निफ्टी। ठीक है, सिंगापुर निफ्टी, ठीक है, एग्जैक्टली 16976। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल गया होगा
200 मूविंग के ऊपर चली गई है मार्केट, ठीक है, यहाँ पर तो चली गई, हमारी मार्केट कब जाएगी? हमारी मार्केट मंडे को जाएगी 100% श्योर हो गया, क्योंकि 16 1600 पे चल रही है हमारी सिंगापुर निफ्टी, और अभी हमारी 300 पॉइंट मतलब गैप अप ऊपर होने के चांसेस हैं, 300 पॉइंट गैप अप होने के चांसेस हैं, 300 पॉइंट गैप अप होने के चांसेस हैं, वो मार्केट पॉजिटिव रहेगी एज श्योर। पर अभी जो भी अगर न्यूज़ आ जाती है कल, अगर कल कुछ बेकार न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट दोबारा फॉल हो सकती है, ठीक है। क्रूड ऑयल 5.99% नीचे आ गया है, जो कि हमारे लिए क्या है, अच्छा साइन है। अच्छा साइन ऑब्वियस होगा क्योंकि 10 8 8 8 9% की तेजी के बाद इतना बड़ा तो आना लाजमी है ही, ठीक है, इतना बड़ा फॉल आ सकता है, ठीक है। डॉ जोन्स पॉजिटिव है 2.5%, ठीक है, ये भी हमारे लिए अच्छा साइन है कि मार्केट हमारी पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। दिस इज तो मार्केट मंडे को से थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती है, तो ये एक रिवर्सल की तरफ वर्क कर सकता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।